अस्सलामुअलैकुम। टीम ड्रीम व्हीलचेयर वाला ग्रुप जो है अपने तमाम जो एक्टिव यूज़र व्हीलचेयर्स हैं उनके साथ ऑरेंज ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, और उन सब पर्सन विद डिसेबिलिटी या उनके जो वालदैन हैं उनको ये पैगाम देने के लिए कि ये ऑरेंज ट्रेन जो एक्सेसिबल है, ये एंटरटेनमेंट का एक जरिया भी है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, और इसको इस्तेमाल करके आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकते हैं। हम सब लोगों के साथ साथ इंटरव्यूज़ इस वीडियो में आपको आगे दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे अभी तक अथॉरिटीज़ ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटी की फ्री ट्रांसपोर्टेशन अभी तक इंश्योर नहीं हुई। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अगर तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मौजूद है तो उसका जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है हम सबको फैसिलिटेट कर सकें। ये आज का ये जो ट्रिप का आइडिया है वो सुधार का है, और सुधार बताएंगे इस पैनल कॉर्ड इंजरी के बाद के ऊपर इंडिपेंडेंट कैसे वो घूम रहे हैं, ट्रेन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी नियमत है जो ऑरेंज ट्रेन है, तो मुकम्मल एक्सेसिबल है। जितने हम लोग जाते हैं जाएंगे, खाना खाना खाएंगे, वापस आएंगे, आउटिंग या पूरे लाहौर में आप घूम सकते हैं, तो हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं। मैं अपने अटेंडेंस के साथ पहली दफ़ा ऑरेंज ट्रेन का सफर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ऑरेंज ट्रेन के अंदर हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी व्हीलचेयर यूज़र हैं सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है और टोटल एक्सेसिबल है। लाहौर के जितने स्पेशल अफराद हैं इसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी के खूब इंजॉय करें। हम ऑरेंज ट्रेन लाहौर में सफ़र कर रहे हैं और बाकी भी व्हीलचेयर यूज़र हमारे साथ हैं, और मकसद ये हमारी सारी एफर्ट का साथ में अपनी एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग ऑरेंज ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लाहौर के कोने में जा सकते हैं, अनारकली, शालामार बाग और बहुत से पब्लिक प्लेसेस, पार्क को एक्सेस कर सकते हैं और एक अच्छी एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं।